बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही फाइंड करना है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है 14 से लेकर 17 तक जो कर्वे दी हुई हैं उनमें हमने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ही फाइंड करने हैं। तो इसमें भी हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ही फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हमें दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, इनके सेकंड डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसको पुट करेंगे ना, तो सबसे पहला टारगेट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव को मालूम करना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, ए स्केयर एज इट इज लिख देंगे, टू वाई, यानी y के ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इस यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, x स्केयर एज इट इज़ लिख देते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं 0 माइनस 2x हो जाएगा। फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस 2x की पावर 3 लिख देंगे और प्लस 2x इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इसी तरह लिख देते हैं। इसको उठा के नीचे ले जाते हैं तो इधर ये सिर्फ dy वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा, तो माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2a स्क्वेयर y नीचे आ जाएगा। y की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, y की जगह मैं वापस ये लिख देता हूँ। कैसे ये लिखता हूँ, देखो हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटा ये ए स्क्वेयर को नीचे लाएं तो ए स्क्वेयर हो जाता है, खाली y क्या हो जाएगा, फिर x इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर यानी कि इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाई a रह जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, यानी कि इस y की जगह ये चीज़ लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वेयर और इसकी जगह हम y की जगह हम ये लिख देते हैं x अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटा a, ठीक है। जब a जो है इससे कट के सिर्फ a रह जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके मैं लिख लेता हूँ, 2x इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या बचा है, 2ax अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ये बच गया है, ये हमारे पास आया है dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे वाला, देखो हमारे पास ये है जी 2x, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2x जब कॉमन लेंगे तो 2x इन टू इधर बचेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर ये बच जाएगा, ठीक है, सॉरी सिंपल एक्स स्क्वेयर बचेगा क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2ax अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से क्या कटेगा, 2 से कट गया, x से कट गया, अब सिंपलीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे सिंपलीफाइड फॉर्म आई है डी वाई बाई डी एक्स की। अब क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है तो इसका यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा देंगे, इस यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, तो हम इधर बड़ा करके लिख देते हैं थोड़ा क्लोज करके, डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर हम लगाते हैं जी कोशेंट रूल, 1 बाई ए को मैं बाहर लिख देता हूँ, 1 बाई ए ये वाला कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूँ, तो नीचे क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट का जो है वो स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वेयर का जीरो हो जाएगा माइनस टू ज़ार 4x, इस अंदर वाले सारे का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे ये अंदर वाला जो है ए स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर एज इट इज़ लिख देंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 शुरू में आ जाएगा और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर माइनस 1/2 हो जाएगी और इन टू माइनस 2x इसका डेरिवेटिव आएगा, इस जिसकी पावर है इसका भी आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये सारे के डेरिवेटिव ये आ गया है। अब यहाँ से ये 2 जो है इस 2 से कट जाता है
ये माइनस बाहर वाले माइनस से होके प्लस हो जाता है, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपने अगले स्टेप में करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ से। और हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है, ये वाला भी ऊपर है क्योंकि माइनस में पावर है तो ये नीचे है, तो इसको मैं एलसीएम के तौर पर लिख सकता हूँ, यानी कि 1/a बाहर वाला और ऊपर एलसीएम लेते हैं, ऊपर अलहदा से एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वेयर बटा एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, ठीक है, ये इसका एलसीएम आया। ऊपर इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये माइनस फोर एक्स बाहर आ जाएगा, माइनस फोर एक्स इंटू इसके साथ ज़रब देंगे तो ये सिंपल स्क्वेयर रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, सिंपल ही हो जाएगा ये, ठीक है, जब इसके साथ तो ज़रब नहीं होगा, इसमें हम लिख देंगे ये ये एक्स लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे प्लस एक्स इंटू या ए एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर लिख देंगे इसके साथ, और इस सारे के नीचे ये वाला भी मौजूद है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर था ना, स्क्वेयर रूट इससे इससे स्क्वेयर रूट कट जाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा, तो मैं इसको इस तरह बंद कर देता हूँ, इसको जब बंद करता हूँ तो ये वाला देखो, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पर प्लस नहीं आता बल्कि माइनस आता है, यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ऊपर क्या बचेगा, इसको मैं अगर मैं इसको खोल दूँ, इसको माइनस फोर एक्स ए की पावर टू माइनस माइनस प्लस फोर एक्स की पावर थ्री प्लस ए एक्स ए स्क्वेयर एक्स प्लस माइनस माइनस टू एक्स की पावर थ्री डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 2 इस सारे की पावर 3/2 हो जाएगी। इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं तो इधर क्या है, 1/a इज़ इक्वल टू 1/a इंटू यहाँ से हमारे पास आता है 2x³, यानी कि ये 4x³ है, ये 2x³ है, दोनों माइनस करें तो 2x³ रह जाएगा, ये माइनस जो है वो 4x² एक्स इंटू ए स्केयर है, ए स्केयर तो इसमें से ये एक निकाल दें तो माइनस 3 रह जाएगा, माइनस 3 ए स्क्वेयर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई यही ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इस सारे की पावर 3/2 हो जाएगी। ये हमारा आ गया है ये सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव को हमने क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे फॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन डी स्क्वेयर वाई बटा डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो जब इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो 1/a उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, ये नीचे वाला उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये 1/a उधर जाके मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा जब इसकी जगह लिखेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी, 1/a इस सारे की जगह ये लिख देते हैं, 1/a 2x³ माइनस 3a की पावर 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर सारे की पावर 3/2, और इसको मैं बंद करके इज इक्वल टू ज़ीरो लिख देता हूँ, ठीक है, ये a उधर जाके ज़रब हो गया ज़ीरो, ये भी a उधर जाके ज़रब ज़ीरो हो गया, ठीक है, ऊपर क्या बच्चा सिर्फ 2x की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बच गया, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 3 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, x इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और ये वाला भी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वेयर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 3 ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, और इसका साथ अंडर रूट लिख देते हैं, साथ प्लस माइनस लिख देते हैं, तो मैं a को बाहर ले आता हूँ, प्लस माइनस a 3/2 अंडर रूट इस तरह मैं लिख देता हूँ। तो ये x की दो वैल्यूज़ तीन वैल्यूज़ आई हैं, एक x इज इक्वल टू ज़ीरो, एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 3/2। अब जब x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो अब हम y की वैल्यूज़ निकालते हैं, y मैं इधर उठा के इधर ले आता हूँ, फिर हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है, y हमारे पास क्या आया था, ये था हमारे पास y की जो है ना फंक्शन y इज इक्वल टू x, चलो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, मैं पहले x की जगह मैं ज़ीरो रखता हूँ, फिर उसके हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी, ज़ीरो रखता हूँ x की जगह, इधर ज़ीरो रखता हूँ तो y की भी ज़ीरो हो जाएगी, तो हम लिखेंगे सो चले पहले इधर ही पुट कर देते हैं, साथ ही क्वेश्चन के अंदर ही पुट कर देते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे नाउ पुट
put y is equal to put x is equal to 0 in 1, ठीक है, ताकि y की वैल्यू निकल आए. put x is equal to 0 in 1 मतलब पहली सबसे जो इक्वेशन है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है y, तो y वहां से अगर निकाल लें, सेपरेट कर लें, तो वहां उसको हम 1 का नाम दे देते हैं. ऊपर हमने किया था काम, वही हमने इसको 1 का नाम दे देना है. इसके अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आएगी. तो हम लिख देंगे सो 0 0 इज पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ये पॉसिबल अभी आया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, अभी क्योंकि पॉसिबल है. मैंने पहले भी बताया है कि अभी हमने चेक नहीं किया कि वाकई ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अभी हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी मिली है कि ये हो सकता है. तो अब जो दूसरी चीज़ है x की, ये हम पुट करते हैं y इस x के अंदर, ठीक है. तो अब हम लिखते हैं नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वाला पुट करके चेक कर लेते हैं पहले, a माइनस a डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, इसको इन 1 के अंदर पुट करते हैं x की जगह, तो फिर y की वैल्यू निकल आएगी. तो y माइनस a अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस इस x की जगह ये चीज़ रखेंगे तो हो जाएगा जी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3/2 है ना, तो x स्क्वेयर की वजह से ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस 3/2 ए स्क्वेयर, इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूँ 2a² माइनस 3a², इसका मतलब है ये लिखा हुआ माइनस a² / 2, तो अंदर क्या आएगा अंडर रूट के अंदर, एक तो 3/2 है ना बाहर, ये इधर आएगा माइनस a² / 2. तो देखें अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो जब माइनस तो आ जाए तो वो तो इमेजिनरी बन जाता है, ये तो रियल एनालिसिस के अंदर है ही नहीं है, फिर इसका मतलब है ये कम्प्लेक्स के अंदर चला गया, तो ये हम नहीं कंसिडर करेंगे. तो हम लिखेंगे विच इज़ इमेजिनरी, तो नीचे सिमिलरली फॉर ए एक्स इज इक्वल टू प्लस ए अंडर रूट 3/2, यानी प्लस के लिए भी अगर हम चेक करेंगे तो इधर फिर माइनस आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो फिर हमारे पास इमेजिनरी आएगा. तो हम इमेजिनरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे पास ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फिर 0 0 ही होगा, ठीक है. तो अब हम चेक करेंगे नाउ 0 से लेस चेक करेंगे, when x is less than 0, यानी मैंने इनको छोड़ दिया है, यानी इमेजिनरी आ गए हैं, इमेजिनरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे 0 0. अब 0 0 पॉसिबल था ना, अब इसको यकीनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे लेस और इससे बड़ा चेक करेंगे, कि सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करके चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है. अगर नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, यानी कि साइन चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है. व्हेन एक्स इज लेस देन 0 d²y/dx², इसको हम चेक करते हैं कि इसका जो है ना जवाब क्या आता है, इसका साइन क्या आता है, ठीक है. तो अगर मैं 0 से छोटा, बिल्कुल छोटा सा नंबर, बिल्कुल जो है ना 0 से कम फ़र्क वाला, यानी कि माइनस लिख लेता हूँ, माइनस 0.00001, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, 0 के बिल्कुल करीब है और 0 से छोटा भी है, तो इसको मैं इसमें पुट करता हूँ, टू आंसर का क्यूब लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 3 पावर इसकी, और साथ में माइनस 3 और a², यानी कि आंसर लिखता हूँ, x की जगह आंसर लिखता हूँ 3 आंसर, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, डिवाइडेड बाई ये, यानी कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव ही आएगा. अब देखिए क्योंकि 0 के करीब बहुत ही छोटा नंबर होगा, बहुत ही छोटा नंबर 0 के करीब, तो उसको इसके अंदर पुट करेंगे तो उस x की जगह मतलब अगर 0 से छोटा नंबर है तो माइनस भी आएगा उसके साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस 0.00001 का लेते हैं, तो अगर इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इसकी पावर 3 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा. जब ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो इधर पुट करेंगे तो ये वाला इसके साथ प्लस होके माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ये वाला बड़ा आंसर आएगा, ये क्योंकि छोटे नंबर का क्यूब लेंगे तो वो और ही छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बड़े से छोटा माइनस करें तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नीचे आएगा जी, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कैसे वाला,
देखो इसके अंदर x की जगह बहुत ही छोटा नंबर पुट करें, x का है भी स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर की वजह से ये प्लस हो जाएगा और नंबर ये बहुत और छोटा हो जाएगा। तो ए स्क्वेयर उससे थोड़ा तो थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा ना, तो ए स्क्वेयर इसके इसमें से ये निकल जाएगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब है एक दफ़ा पॉजिटिव आंसर आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये हमारा यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा। एंड व्हेन व्हेन अगर एक्स इससे ज़ीरो से बड़ा हो, छोटा सा है वो भी छोटा सा लेकिन वो बड़ा सा, तो यानी कि ज़ीरो से बड़ा हो, तो डी एक्स स्क्वेयर ये छोटा आएगा। इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा। सो ज़ीरो ज़ीरो इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।